आज मैं यहाँ पर आया सब रूम में, इतनी बड़ी संख्या है। मुझे बताओ भाई, ये कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं है? जोर से बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? और जोर से बताओ, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये कम्युनिस्ट, ये कांग्रेस 75 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में खिलाकर घूमते थे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया मित्रों। और ये कश्मीर हमारा हमेशा के लिए, भारत माता का ये मुकुट मणि कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। मगर जब मैं बिल लेकर संसद में खड़ा हुआ, एक कम्युनिस्ट कांग्रेस, ममता समता सपा बसपा, ये सारी की सारी मंडली काऊ 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 करने लगी कि मत हटाइए। मैंने बोला भाई क्यों ना हटाए? उन्होंने कहा कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 3 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार, सोनिया मनमोहन सरकार 10 साल तक चली, आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठिए आकर हमारे जवानों को मारकर भाग जाते थे, सरकार के माथे पर जू नहीं रेंगती थी। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में गलती करी, वो भूल गए। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, कम्युनिस्टों की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और प्रधानमंत्री मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के फुर्चे उड़ाकर हमारे सेना के जवान वापिस आ गए। मित्रों, पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत की सेना और भारत की सीमा, इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ, अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए?